हम है रहा भाई रहा दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज के मनीष कश्यप के बारे में पूरा जानकारी लेके आए बनी तो बन रही भोजपुरी बात कहीं पर। सबसे पहले पूरा खबर कि मनीष कश्यप कोनिंगा पढ़ लिख के इंजीनियर बने, ओकरा बाद आज यूट्यूबर बने, बहुत बड़ा यूट्यूबर भले, ओकरा बाद कोनिंगा जेल गए, काहे खातिर जेल गए, पूरा कहानी मनीष कश्यप के, पूरा कहानी प्रवीण मिश्रा बुलबुल के जुबानी। कहानी के शुरुआत करे के पहले रउरा के एगो बात बता दें कि आज मनीष कश्यप के दबावे के लगातार कोशिश हो रहा बा। आज जितने दबावल जाता, आग के जितने दबावल जाला, पर्दा से ढाकल जाला, उस पर्दा के जला के ऊपर आवेला, ये बात सच हो गई बा। पूरा भारत में बवाल, पूरा भारत में एकरा के एक तरफ कहल जा सकेला कि जनिंगा एगो आग के जलावे के कोशिश, एगो आग के ढाके के कोशिश हो रहा बा। वही दूसरा तरफ यो कहल जाता कि एक आदमी के हीरो बनावल जाता, जौन आदमी के नाम हम मनीष कश्यप। चलिए बिना देर के शुरू कर दे कहानी। मनीष कश्यप इंजीनियर से यूट्यूबर बने आ यूट्यूबर से जेल गए, ये पूरा कहानी मने बचपन से लेके यूट्यूबर बने तक के कहानी सबसे पहले सुनी। जौन बात सामने आ रहा बा कि ये विधानसभा चुनाव भी लड़ले बने, लोकसभा में भी भाग्य अजमौले बने। आ जौन उनकर दोस्त लोग कह रहा बा कि 2030 में प्रधानमंत्री बने के सपना बा। कहानी जौन सामने आ रहा बा यूट्यूबर मनीष कश्यप के, उ कहानी सुन के और रोंगटा खड़ा हो जाए। बात जौन सामने आ रहा बा कि बिहार के सबसे चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप के सितारा आजकल गर्दिश में चल रहा बा। कहा जाता कि वह तमिलनाडु में मजदूर पर हमला के मामला में फर्जी वीडियो जारी कर ले रहे हैं, जौना के लेके उनका पर FIR कर गई, आज संपत्ति भी कुर्क कर गई। बाद में जब संपत्ति कुर्क कर जात रहा तो ओकरा बाद वो जगदीशपुर थाना में, यानी कि अपना पैतृक गांव के थाना में सरेंडर कर रहे हैं। जौन बात सामने आ रहा बा कि पुलिस के द्वारा लगातार सिकंजा कसल जाता मनीष कश्यप पर। आखिर के हम मनीष कश्यप ये जानल जरूरी बा। मनीष कश्यप इंजीनियर बने, राजनीति में भी किस्मत आजमा चुकल बने, विधानसभा चुनाव में निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ने, एकरा से पहले लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करे रहने, लेकिन नामांकन रद्द हो जाए के कारण वो चुनाव ना लड़ पौने। मनीष के दोस्त जे लोग बा वो बता रहा बा कि 2030 में प्रधानमंत्री बने के सपना मनीष कश्यप के बा। फिलहाल विधायक बने के सपना पूरा ना हो पावल, काहे कि तीसरा नंबर पर रहने, चुनाव हार गए। लेकिन एक यूट्यूबर बने के उनकर सपना पूरा हो गई और बड़ा पहचान बन गए। आज मनीष के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर 61 लाख और फेसबुक पर 40 लाख फॉलोअर लोग बा। आज भोजपुरी बतल पर स्पेशल एपिसोड मनीष कश्यप के बारे में सुन रहा बा। त्रिपुरारी और मनीष कश्यप के कनेक्शन, पश्चिम चंपारण के डुमरी महनवा गांव में इनकर जन्म भई। मनीष कश्यप के असली नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी बताया जाता है, स्कूल में त्रिपुरारी और घर में मनीष नाम से ही जाना जाता रहा। लेकिन बाद में वह त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप बन के चर्चा में आ गए। विधानसभा चुनाव 2020 के हलफनामा जब दर्ज भय तो वो अपन नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप में रखले रहने। लेकिन यूट्यूब जब चैनल बनौले तो यूट्यूबर के नाम से मनीष कश्यप के बड़ा पहचान मिले। उनका माई के नाम मधु देवी जे हाउस वाइफ बनी, पिता उदित कुमार तिवारी जे सेना में सिपाही बने। मनीष जी के शुरुआती पढ़ाई गांव में ही भई। वर्ष 2009 में 12वीं के परीक्षा पास करके
महारानी जानकी महाविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने। बाद में 2016 में पुणे के सावित्री फुलेबाई यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग और बी के डिग्री लेके इंजीनियर बन गए। एगो और बड़ा खुलासा हुआ कि करते नहीं उनका बारे में कि मनीष कश्यप इंजीनियरिंग के पढ़ाई पूरा करने के बाद पुणे से बिहार लौट अले। ओकरा साथे इंजीनियरिंग करे वाला कई गो दोस्त भी साथे आए लो। आ पटना के एगो कंस्ट्रक्शन कंपनी में 82,000 रुपया पर मंथ के सैलरी पर मनीष कश्यप नौकरी ज्वाइन कर लेने। जब 82,000 रुपया यानी 82,000 रुपीज पर मंथ उनका हाथ में मिले लगल तो उनका दिमाग में विधायक बने के सपना वही बेरा आए। उनका जो दोस्त वालों वो लोग दोस्त के मुताबिक जौना कंपनी में मनीष कश्यप नौकरी करत रहे वही कंपनी में मणि द्विवेदी भी अकाउंट के काम करत रहे। दोनों के दोस्ती भई और मनीष कश्यप के वही दिने से दिशा बदल गई। जब मोटा कमाई होखे लगल तो मनीष कश्यप विधायक बने के सपना देखे लगल। सैलरी आई तो विधायक बने के सपना में और पंख लग गए। दोस्त के साथे बैठ के प्लानिंग कर लें कि 2020 के विधानसभा चुनाव चनपटिया से लड़ल जाए। जौन अकेले के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में आ गए। विधानसभा चुनाव में तो जीत हासिल ना भई लेकिन 9239 वोट लेके आ तीसरा पोजीशन पर मनीष कश्यप रहने। चुनावी हलफनामा में अपन नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी बतौले रहने। उनका जो दोस्त वालों को कहता कि मनीष विधानसभा से पहले लोकसभा चुनाव भी जेल से लड़ रहने नामांकन कैले रहने लेकिन कोनो कारण से नामांकन रद्द हो गए। अब ई बात पर चर्चा करिए कि सच तक न्यूज जोन बात सच तक न्यूज के पूरा सफर कहाँ से शुरू है। अब जन दोस्त के मुताबिक अगर मानल जाए तो मनीष कश्यप इंजीनियरिंग के पढ़ाई के दौरान पुणे में बुलेट बाइक खरीदने। अब बुलेटे से बॉम्बे से अले पुणे से अपना गांव अले। कहा जाता कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी के दौरान ही मनीष के सोशल मीडिया पर लाइव आवे के शौक जागत। जब वो पटना से गांव जात रहे तो तमाम गांव के समस्या के लेके बार बार लाइव आवस। मन में विधायकी के सपना रहे ऐसे हिट होके खातिर सोशल मीडिया सोना पर सुहागा के काम कर। यही बीच में उनका बुलेट के बैटरी खराब हो गए। तब बैटरी खराब हो गए तो बुलेट बनावे वाला बैटरी बनावे वाला एगो कंपनी में लाइव अले। लाइव आके बैटरी के बड़ा कंपनी के दफ्तर में जाके हो हल्ला कहले जौना के लाइव ओमे गाली गलौज रेल देम फलान ढकान भी तमाम चीज के प्रयोग करके एगो वीडियो बनौले लाइव। हालांकि जौन बड़ा बैटरी के कंपनी बा उ बैटरी तो दे दिलस लेकिन कंपनी के कुछ लोग FIR दर्ज कर ले। मनीष कश्यप पर वही दिन एगो FIR हो गई। हालांकि जौन लोग बता रहा बा आज के डेट में मनीष कश्यप के फॉलोअर बहुत ज़्यादा बढ़े। लोग ये कह रहा बा कि मनीष कश्यप के बैटरी खराब रहे जौन अकेले के उ आवाज़ उठौले रहने उनकर आवाज़ जायज रहे। खैर मामला जौन भी होके वीडियो काफ़ी वायरल भई गाली गलौज के साथ अपशब्द के भी ओमे प्रयोग रहे। आ चूंकि बिहारी अंदाज में रहे बिहारी टोन में रहे लोग के बहुत पसंद आए देश विदेश में बहुत वायरल भई। आ एगो निजी कंपनी के पॉलिसी के अनुसार CM और सरकार पर भी उस सवाल उठौले रहने। वीडियो खूब वायरल भई केस भी दर्ज भई। खैर कंपनी में अब देखते देखते 2018 में ये लोग अपना मित्र के लेके आ सच तक न्यूज के YouTube चैनल बनावल। दोस्त के मुताबिक मनीष कश्यप 13 जुलाई 2018 के YouTube चैनल सच तक के शुरुआत कर। मनीष और मणि द्विवेदी के प्लानिंग रहे कि सच तक चैनल बनावल जाए
और कुछ दिन बाद सच तक नाम से एगो न्यूज के कंपनी के भी शुरुआत कर ले। अब जानल जा कि मनीष के हिट होके के पूरा कहानी का बा। पटना में बैटरी के कंपनी से गाली गलौज के वीडियो सोशल मीडिया पर जब पड़ा तो बहुत वायरल भाई, कहे कि ठेठ बिहारी अंदाज में लाई बा के आ मनीष कश्यप नेतागिरी के अंदाज में ये वीडियो बनौले रहन। जौना के बाद लगातार ये ठेठ अंदाज सारा लोग के पसंद आई आ वीडियो पूरा देश विदेश में वायरल भई। बाद में शाहरुख खान के मन्नत भी पहुंच गए, ओजा भी वीडियो बनौले। सोनू सूद समेत तमाम सेलिब्रिटी के साथ ठेठ बिहारी अंदाज में वीडियो बनौले। बागेश्वर धाम जाके धीरेन्द्र शास्त्री के विवाद पर भी वीडियो बनौले जौन खूब वायरल भई। वही बीच में मनीष कश्यप तमिलनाडु के जौन मजदूर लगातार जौन लोग कह रहा बा कि असम में तमाम बिहारी लोग के कई गो राज्य में मारल पीटल जाता, वही दौरान ये बात सामने आई कि तमिलनाडु में मजदूर के कथित वीडियो भी वायरल हो गए। जौन बात सामने आई कि मजदूर के जौन वीडियो बा उ फर्जी बा, मजदूर के फर्जी तरीका से मरहम पट्टी करके वो काल्पनिक वीडियो बनाओ गए रहे, जौन अकेले के वो वीडियो के फर्जी बता दिया गए। आप वो मामले में मनीष कश्यप के संदिग्ध वीडियो वायरल करे के आरोप लग गए और जांच के उद्देश्य से उनका पर FIR हो गए। उनकर गिरफ्तारी भइल बा, बैंक अकाउंट फ्रीज कर गेल बा, जौन में 42 लाख रुपया जब्त कर गेल बा। पुलिस के एक्शन के देखते हुए मनीष कश्यप सरेंडर कर दें। मनीष कश्यप के रिमांड पर लेके 24 घंटा तक पूछताछ भी कल गए। अब एक बात जौन मामला सामने आ रहा कि तमाम लोग उग्र बा, इस कहे उग्र बा लोग जो उग्र बा एक बारे में बतावल जाता कि मनीष कश्यप के यूट्यूब से बहुत पैसा आवे। जौन लोग हम बतौनी हो कि 61 लाख फॉलोअर उनका यूट्यूब चैनल पर, 40 लाख फॉलोअर फेसबुक पर बाढ़, जौन अकेले के पर मंथ लगभग 4 से 5 लाख रुपया और भी ज्यादा पैसा उनका आवेला यूट्यूब से फेसबुक से। अब एगो यही बीच में वो काम शुरू करे कि गरीब निहत्था असहाय रिक्शा चालक तमाम लोग के वो हेल्प करस, जौन की सारा लोग सारा राजनीतिक लोग से हट के काम बा। जौन अकेले के लगातार वो गरीब के मसीहा बन गए। आज शायद वह कारण बा कि मनीष कश्यप लगातार उनका गिरफ्तारी पर उनका सरेंडर कैला के बाद लगातार बवाल मच रहा बा। तो बने रही भोजपुरी बात कहीं पर, हम ही लाल भाई रहो दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल आज जन्म हमारा गीत संगीत के टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी बड़ा बड़ा कैसे कंपनी से रुआ सुनता नहीं, प्यार देता नहीं, आशीर्वाद देता नहीं, वही गए भोजपुरी बात कही के इतना रुआ प्यार देता नहीं खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ऐसे कुछ विशेष लेके आए, तब तक आगे भी मनीष कश्यप के पूरा कहानी रुआ के बताएं।